देश में कोरोना का सबसे तेज दौर, सिर्फ 3 दिन में 40,000 से बढ़कर 50,000 हुए मामले। देश में बुधवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार हो गई है। पिछले 3 दिनों में संक्रमण बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज रही। रविवार 4 मई को देश में 41,000 संक्रमित थे, जो 6 मई को बढ़कर 50,000 से ज्यादा हो गए। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर नजर डालें तो 0 से 10,000 मामले 75 दिन में सामने आए। विशाखापट्टनम में गैस रिसाव से 8 लोगों की मौत, 80 लोग वेंटिलेटर पर। लॉकडाउन के दौरान विशाखापट्टनम में बंद पड़ी प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में कामकाज पुनः शुरू करने की तैयारी हो रही थी। इसी दौरान गैस रिसाव की घटना हुई और एनडीआरएफ महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि देर रात करीब 2:30 बजे स्टाइरीन गैस का इलाके में रिसाव होने के कारण 80 से 100 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्होंने कहा कि बल्कि एक विशेष टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और बेचैनी की शिकायत करने वाले लोगों की जांच कर रही है। लॉकडाउन के बाद बदल जाएगा हवाई यात्रा का तरीका, आईजीआई एयरपोर्ट पर खास इंतजाम। देश में लॉकडाउन की वजह से हवाई यात्रा को रुके हुए 40 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म होगा और हवाई यात्रा फिर से बहाल हो सकेगी, लेकिन जाहिर तौर पर अब पुरानी व्यवस्था के साथ उड़ानों का संचालन नहीं हो सकता, इसलिए नई व्यवस्था जरूरी है। ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 300 अंक तक लुढ़का, निफ्टी भी 90 पॉइंट नीचे। सप्ताह में आज कारोबार के चौथे दिन बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 8.06 अंक नीचे और निफ्टी 36.85 पॉइंट नीचे खुला। हालांकि ट्रेडिंग के 15 मिनट में ही सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा नीचे लुढ़क गया। इससे पहले बुधवार को बाजार में बढ़त देखने को मिली थी। कल सुबह सेंसेक्स 124.12 अंक ऊपर और निफ्टी 21.20 पॉइंट ऊपर खुला था। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान ये बीएसई 570.33 अंक ऊपर जाने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 232.24 अंक ऊपर 31,685.75 पर और निफ्टी 65.30 पॉइंट ऊपर 9,270.90 पर बंद हुआ था। लॉकडाउन में कारोबारियों को राहत, जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी। कोरोना संकट के बीच सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और अब इनकी नई डेडलाइन सितंबर 2020 की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट के जरिए बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 की जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने और उसके मिलान के लिए समय सीमा को 30 सितंबर तक 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। देश दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड। इंस्टाफीड।